What's up guys? तो बहुत दिनों बाद एक व्लॉग की फिर से शुरुआत हो रही है। आई एम इन कुवैत नाउ। टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है फ्लाइट की वजह से, इसलिए मैं व्लॉग बना नहीं पाता हूँ। जैन का महीना बहुत ही बिजी रहा मेरा, यहाँ वहाँ जाओ, कहीं कहीं अप एंड डाउन, फ्लाइट, रेस्ट करो, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एनीवेज मैं अभी हूँ कुवैत में, ये फेब का महीना स्टार्ट हो चुका है, थोड़ी सी रिलैक्सिंग फ्लाइट है और बहुत सारे कोर्सेस है। एनीवेज मैंने ली है न्यू कार, ये है मेरी न्यू कार शेवरलेट कैप्टिवा, और तो इसी के लिए अभी आप लोगों को तो पता है कुवैत में जो है पार्किंग की दिक्कत है, तो पार्किंग की दिक्कत सॉल्व करने के लिए मैंने एक मेरे लिए परमानेंट पार्किंग ले ली ये स्पॉट। बट अभी ये स्पॉट को लाइक कोई दूसरा पार्क ना करे, इसलिए हम लोग लेने वाले अभी है जो पीछे दिख रहा है आपको, ये ऐसा कुछ लेने वाला है, ये मैकेनिज्म होने वाला है, तो वही मैं लेने जा रहा हूँ अभी। देखते हैं मुझे कहाँ मिलता है, या ऑफलाइन सस्ता मिलता है या ऑनलाइन सस्ता मिलता है, वो मुझे देखना है। अगर प्रॉपर मिल गया तो मैं ले लूँगा, अदरवाइज़ मुझे ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ेगा, बिकॉज़ यहाँ पे पार्किंग की बहुत दिक्कत है। आप लोग देख सकते हो सब जगह पर पार्क ही पार्क है, कुवैत में फ़िलहाल पार्किंग की दिक्कत बहुत स्टार्ट हो चुकी है। सो आई विल सजेस्ट यू, अगर आपके यहाँ पे पार्किंग लाइक ऐसा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली सर्विस है, तो परमानेंट पार्किंग ले लो, थोड़े बहुत पैसे देके आप लोग का ही फायदा होगा। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो। अरे इंट्रोडक्शन तो दिया ही नहीं मैंने। एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल, माय नेम इज मुनाफ, आई होप यू गाइस हैविंग एन अमेजिंग डे। और हाँ, मैंने मेरे चैनल का नाम चेंज किया हो, इट्स ट्रैवल विद एम के, तो ऐसा मत सोचना कि किसी और का चैनल है, पहले चैनल का नाम था मुनाफ कादरी, अब जाके चेंज हो चुका है। सो एम के करके आएगा ट्रैवल विद एम के, तो दैट्स माई चैनल। और वीडियो देख लो यार पूरी पूरी। अगर आप लोग गाड़ी के एक्सेसरीज के लिए आते हो तो दिस इज़ हेवन गाइस, मैं यहाँ पे हूँ अभी। तो ये देखो यहाँ पे हर एक चीज़ मिलेगी जो चाहिए आपको वो मिलेगा। भाई साहब दिस इज़ heaven for the people who wants to buy some car accessories or hardware की दुकान है actually। तो मुझे तो जो चाहिए था वो यहाँ पर नहीं मिल रहा है अभी फ़िलहाल, और बहुत ही महंगा है वो, तो मैं कहीं और ट्राई कर रहा हूँ। सो आई वॉज सर्चिंग फॉर लाइक दिस नो पार्किंग, बट अभी ये ऐसा वाला नहीं चाहिए, बहुत बड़ा ही है, इतना बड़ा नहीं चाहिए मुझे, थोड़ा सा छोटा चाहिए मुझे। वो अभी बोल रहा है कि बाहर जाके देखना पड़ेगा, बट आई एम एन्जॉइंग दिस प्लेस, मुझे मज़ा आ रहा है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, देखने के लिए, ढूंढने के लिए कुछ कुछ अलग चीज़ें, पता नहीं मुझे ऐसे बहुत मज़ा आता है ये सब चीज़ों में। मतलब मेरी एक भी काम की चीज़ नहीं है, बट मुझे मज़ा आ रहा है देखने के लिए, मैं इसके लिए घूम रहा हूँ यहाँ पे। ये क्या है, शैम्पू वगैरह भी है यहाँ पे, ये वेटिंग मशीन्स, हर तरीके की वेटिंग मशीन, सबसे छोटी वाली है, चलती है क्या, चल रही है भाई, सबसे छोटी 3 दिनार की है ये। ये होता है एक होलसेल मार्केट, और यहाँ पे फिलहाल पूरे नल्स वगैरह लगे हुए हैं तरी तरी का, कह रहे बाप रे क्या फैंसी नल है यार ये, अरे पानी आ जाएगा भाई संभाल के। एक से एक नल लगे हुए हैं यहाँ पे, उनके प्राइजेस भी लिखे हुए कितने का है, ये 13 दिनार का है, 20 दिनार का नल है, ये सबसे भारी वाली ये है यार, इसकी प्राइस इसकी 11 है। अब इसकी अरबी में लिखा है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कितना है, ये 15 शायद से, ये 22 है। वाह सही यार, एक से एक, ओहो गोल्डन गोल्डन फील वालों के लिए गोल्डन नल। ये कितना, ये 22 kg का, ये वेटिंग मशीन भी नीचे रखी हुई है यहाँ पे। तो ओवरऑल ये एक होलसेल मार्केट है, यहाँ पे सब कुछ होलसेल में मिल जाएगा, एक भी मिलेगा और अगर आपको जितना चाहिए उतना भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ये देखो जैसे ये ऑरेंज वाले की मशीन, जैसे हम लोग बाहर देखते हैं ना ऑरेंज का जूस निकालने का, वो है ये। तो भाई साहब ये जो स्टोर था बहुत ही बड़ा था, और ये पूरा कवर कर नहीं सकता है कोई भी, काफ़ी सारी जो जो चीज़ अच्छी है सब मिलेगी, हमें सब मिलेगी। इसका नाम है जवाद अल सफ़र स्टोर, ये कुछ नाम है इसका। तो अगर आप लोग को कुछ हाउस होल्ड चीज़ें या बाहर की चीज़ें या जो भी चाहिए होगी वो आप लोग यहाँ पे आके ज़रूर ले सकते हो, और होलसेल प्राइस में है तो होलसेल में मिलेगी, प्लस एक एक चीज़ चाहिए तो वो भी मिलेगी आप लोगों को। गाइस अभी हम लोग आए थे शुभ जुमा, सेम वो नो पार्किंग साइन वाला ढूंढने के लिए, बट यहाँ भी अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला हमें,
और बाकी भलती भलती चीज़ें थी, अपने आप को रोक के मैंने वो सब चीज़ें नहीं खरीदी। बहुत मन करता है ऐसे सब चीज़ें खरीदने के लिए, बट बिकॉज़ यहाँ पे आओ ना कुछ ना कुछ आप लोग खरीद ही लेते हो तो ऐसा हो जाता है। इसके लिए अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से और देखना पड़ेगा, एक शॉप है वहीं से जाके हमें मिलेगा। गाइस पार्किंग लॉट तो मिला नहीं देखो, इसलिए मुझे बार बार अभी ये जो यहाँ पे लगा है चेन, इसे बार बार मुझे निकालनी पड़ती है, डालनी पड़ती है और उसके बाद मैं पार्क करता हूँ। अभी तो मैंने निकाल दिए फ़िलहाल ये, और कार अभी खड़ी है यहाँ पे, तो ऐसा पहले पहले निकालना पड़ता है, फिर यहाँ पे पहले निकालना पड़ता है, फिर उसके बाद जाके कार पार्क करनी पड़ती है, तो ये सब सीन होता है। इसलिए मुझे वो लॉक चाहिए और वो लॉक मुझे मिला नहीं है अभी, और तो मैं अभी देखेंगे कैसे ऑर्डर करते हैं, क्या करते हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी खरीदेंगे मैं आप लोग को उसकी अपडेट दे देता हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में उसकी अपडेट आप लोग को मिलेगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ में इसी तरीके से। भाई लाइट क्यों बंद हो गई, बने रहेगा मेरे साथ में इसी तरीके से। आई होप यू गाइज हैव एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू गाइज डिड, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। है अगर मेरे चैनल पे तो मेक श्योर यू डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और हाँ, कमेंट्स में बताओ ऐसे आप लोग को मेरे डेली रूटीन्स वाले व्लॉग वगैरह चाहिए कि नहीं। मैं जो भी करता हूँ दिन में एज ए कैबिन क्रू, एज ए नॉर्मल पर्सन, जो भी है मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, सो दैट मैं वो ध्यान में रख के मैं उस तरीके के वीडियोस बनाऊँ आप लोग के लिए। आई होप थोड़ा बहुत एंटरटेन कर पाऊँ आप लोगों को। ठीक है, फिर मिलता हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि एंड पीस आउट।